देख रहे हैं, अब मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जादौन। उपभोक्ता फोरम ने मेडिकल क्लेम पर बड़ा आदेश दे दिया है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति भले ही 24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहा हो, वो बीमा का दावा कर सकता है। वडोदरा के कंज्यूमर फोरम ने एक आदेश में बीमा कंपनी को बीमा की राशि भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नई तकनीक आने के चलते कभी कभी रोगियों का इलाज कम समय में या अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही किया जाता है। उपभोक्ता फोरम ने यह आदेश वडोदरा निवासी रमेश चंद्र जोशी की याचिका पर दायर किया। जोशी ने 2017 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी ने उनका बीमा क्लेम देने से इनकार कर दिया था। जोशी की पत्नी को बीमारी के बाद वडोदरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगले दिन इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इलाज के बाद जोशी ने 44,468 रुपए का मेडिकल क्लेम दायर किया, लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि मरीज को नियम के तहत 24 घंटे तक भर्ती नहीं कराया गया था। जोशी ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की और दस्तावेज पेश कर बताया कि उनकी पत्नी को 24 नवंबर 2016 को शाम 5:38 पर भर्ती कराया गया था। 25 नवंबर को अगले दिन शाम 6:30 बजे डिस्चार्ज किया गया। इस तरह वो 24 घंटे से ज्यादा अस्पताल में थी। भर्ती ना होती तो बीमा खारिज नहीं कर सकते। बता दें, उपभोक्ता फोरम ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वर्तमान समय में नई तकनीक आने से मरीज को 24 घंटे से कम समय में ही इलाज दिया जा सकता है। फोरम ने कहा कि पहले के समय में लोग इलाज के लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होते थे, लेकिन नई तकनीक आने से मरीजों को बिना भर्ती किए ही या फिर कम समय में ही इलाज किया जा सकता है, जहां ये अब चर्चाओं में है कि फोरम ने यह कह दिया कि अगर मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है या नई तकनीक के चलते भर्ती होने के बाद कम समय में इलाज किया जाता है, तो बीमा कंपनी ये कहकर दावे को खारिज नहीं कर सकती कि मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था।